नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल टेक्निकल देव पे। मैं हूं आपकी दोस्त देवाशीष और दोस्तों आप आज देख है हम अनबॉक्सिंग टेक्निकल करने वाले हैं मोटरोला की तरफ से आने वाले मोटो E6 की अनबॉक्सिंग रिव्यू। और आपका इस वीडियो पे होने वाला है गिवाए कंटेस्ट। गिवाए कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पाए हमारे अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पे मोटरोला E6 स्मार्टफोन जहां पे है इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन मैं बात करता हूं। यहां पे मेंशन किया गया है इसके हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन ये है कि 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा है और 5.5 सेमी का HD प्लस मैक्स विजन डिस्प्ले हमें मिलता है। 8 मेगापिक्सल की एक सेल्फी कैमरा आपको देखने मिलता है, उसके साथ साथ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और पीछे पे आप देख सकते हैं इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। विदाउट डिले मैं ओपन करता हूं इस बॉक्स को, आपको देखने मिलता है कुछ इस तरह सा। यहां पे पहले आप मिलता है यहाँ पे एक स्मार्टफोन जहाँ पे मेंशन किया गया है तरह तरह के फीचर्स और पीछे की तरफ से आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर विथ सिलिकॉन टीपीयू केस। और हम बाकी बॉक्स कंटेंट्स के बारे में बात करते तो आपको देखने मिलता है बेसिक सा यूजर मैनुअल एंड पेपर गाइड जिसको आप वारंटी कार्ड भी बोल सकते। उसके नीचे पे हमें मिलता है हमारा माइक्रो USB चार्जिंग केबल जिसको आप डाटा केबल भी बोल सकते। और यहाँ पे इसके नीचे पे हमें मिलता है एक बैटरी जो है का पावर है 3000 mAh की। इसको देख के आप ये समझ गए होंगे ये एक रिमूवेबल बैटरी वाली स्मार्टफोन है, ये कोई नॉन रिमूवेबल नहीं है। जो कस्टमर को रिमूवेबल बैटरी वाली स्मार्टफोन पसंद है उनके लिए मोटो E6 एक बेहतरीन सा ऑप्शन है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ आपको मिलता है एक चार्जर जिसका आउटपुट है 5V 2A एक नॉर्मल सा चार्जर। उसके बाद आपको मिलता है एक स्लॉट जहाँ पे आप लगा सकते हैं अपनी माइक्रो USB सिम को। इसका मतलब स्मार्टफोन पे आपको माइक्रो USB प्लस नैनो सिम आप लगा सकते हैं। विदाउट डिले मैं यहाँ पे शोकेस करता हूँ स्मार्टफोन को। विदाउट मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इसकी बैक कवर को ताकि आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छा है। पीछे की तरफ से आपको मिलता है मोटरोला के ब्रांडिंग के साथ एक फिंगरप्रिंट रीडर। ऊपर की तरफ से 13+2 मेगापिक्सल की एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा। नीचे पे LED फ्लैश और साइड पे आप देख सकते हैं पावर ऑन बटन। और नीचे पे आपको वॉल्यूम ऊपर की तरफ से वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन। उसके साथ साथ आप यहाँ पे मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर हटा लेता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट नॉच वाली डिस्प्ले है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 3.5 mm वाली ऑडियो जैक है। उसके नीचे पे आपको मिलता है स्पीकर ग्रिल और माइक्रो USB चार्जिंग केबल। विदाउट डिले मैं ओपन करता हूँ स्मार्टफोन को। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई नॉन रिमूवेबल वाली स्मार्टफोन नहीं है, बहुत ही लाइट वेट लगता है। और आपको यहाँ पे बैटरी ये नॉन रिमूवेबल वाली स्मार्टफोन को मैं खोल चुका हूँ। यहाँ पे बहुत चीप क्वालिटी का प्लास्टिक का यूज किया गया है और इसके नीचे पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बैटरी डालना है और मैं डाल देता हूँ विथआउट डिले इस वाली बैटरी को। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ और उसके बाद हमें इंसर्ट करना होगा एक माइक्रो SD कार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप नैनो सिम लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी लगा सकते हैं। मैंने माइक्रो SD डाल लिया आपका जो मेमोरी कार्ड होता है। और उसके बाद हमें यहाँ पे नैनो सिम जियो सिम आप डाल सकते हैं। मैंने अपना जो बैटरी था वहाँ पर डाल दिया और यहाँ पे मैंने उसका मेमोरी कार्ड माइक्रो SD कार्ड और नैनो सिम को भी डाल चुका हूँ। और यहाँ पे जो स्मार्टफोन था वो रिबूट हो चुका है मोटोरोला की ब्रांडिंग पावर्ड बाय एंड्रॉयड के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे आपको ऊपर की तरफ से मिलता है डॉट टॉच वाली डिस्प्ले और उसके ऊपर से आपको एक स्मॉल बेजल लेस यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। और यहाँ पे मोटोरोला की ब्रांडिंग काफ़ी अच्छा है और पीछे की तरफ से जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी मोटोरोला की के साथ आता है। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेनाइट फिनिशिंग दिया गया है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज हमें है जहाँ पे मैं यहाँ पे अपनी फिंगर्स रखता हूँ आप देख सकते हैं आसानी में यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस वगैरह आ जाता है तो आपको थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए थे। विदाउट डिले मैं सेटअप कर लेता हूँ स्मार्टफोन को। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसका फिंगर यहाँ पे मैंने कर लिया है स्मार्टफोन के पूरे सेटअप जहाँ पे मैंने रजिस्टर किया अपनी फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर को। और यहाँ पे बारी आ चुका है, समय आ चुका है हम टेस्ट करते हैं इसके फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर को। आपके सामने में यहाँ पे मैं टॉच करता हूँ इसको और ये अनलॉक होता है, टॉच करता हूँ अनलॉक होता है, टॉच करता हूँ और फिर एक बार अनलॉक होता है। और यहाँ पे मैं इस ट्राई करता हूँ इसकी फेस अनलॉक हो, यहाँ पे एक बार प्रेस करता हूँ तो ये फिंगर फेस अनलॉक अनलॉक हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी लाइट वेट है, 4GB प्लस 64GB रैम आपको दिखने मिलता है 7000 प्राइस रेंज के अंदर, जो कि एक किलर सब बात है मोटोरोला की तरफ से आने वाले इस मोटो E6S का। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ डॉट नॉच वाली डिस्प्ले, फुल व्यू डिस्प्ले, उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग फीचर्स है, जहाँ पे बैटरी आपको नॉन रिमूवेबल वाली बैटरी मिलता है, जो कि काफ़ी एक बेहतरीन सा ऑप्शन है मेरे हिसाब से आज के टाइम पे भी। और आपको विथ फिंगरप्रिंट रैडर ये 7000 प्राइस रेंज के अंदर मिल रहा है स्मार्टफोन, काफ़ी अच्छा लाइट वेट है और 100 यूजर्स के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आप इसको एक हाथ में पकड़ के यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन की कुछ खासियत फीचर्स के बारे में, जहाँ पे ये बेस्ट है आपको मिलता है कुछ अमेजिंग परफॉर्मेंस के अंडर। जहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ इसकी कैमरा परफॉर्मेंस में खींचता हूँ इसकी फ्रंट और रियर कैमरा में कुछ फोटो सैंपल और शेयर करता हूँ आपके साथ, ताकि आप डिटेल्स में देख पाए स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए आप बात करते हैं आगे स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों स्मार्टफोन बेस्ट है एंड्रॉयड वर्जन 9.5 पे, जहाँ पे आपको मिलता है लेटेस्ट स्टॉक एंड्रॉयड वर्जन वाले एक फीचर्स, जहाँ पे आपको मिलता है कि स्टॉक एंड्रॉयड जैसा एक क्लीन UI फीचर्स, मतलब ये काफ़ी अमेजिंग सा फीलिंग आता है, जैसे लाइक ASUS ZenFone Max Pro M1 जैसे। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसकी कुछ फीचर्स के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 7000 प्राइस रेंज के अंडर एक किलर सा स्मार्टफोन है मोटोरोला की तरफ से। इस मोटो E6S के बारे में दोस्तों, यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसकी परफॉर्मेंस फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन अंडर दिस प्राइस, जहाँ पे आपको 7000 प्राइस कीमत के अंडर आपको मिलता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ 4GB प्लस 64GB रैम वाली स्टोरेज वेरिएंट, जहाँ पे आप इसको एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 512 GB तक आप इसको एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है हेलियो P22 ऑक्टाकोर चिपसेट, जो यहाँ पे ये भी इन्फिनिक्स हॉटहेड की तरह साथ आ रहा था, पर यहाँ पे एक अच्छे फीचर्स है। यहाँ पे डॉट नॉच फुल व्यू डिस्प्ले अमेजिंग क्वालिटी, मुझे इस स्मार्टफोन का खासियत फीचर्स ये पसंद आया, काफ़ी लाइट वेट है और 100 डिवाइस आप एक हाथ में इसको आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैं बात करता हूँ इसकी जो कैमरा क्वालिटी के बारे में, और फ्रंट पे आपको मिलता है 8 MP सेल्फी कैमरा, पीछे पे 16+2 MP कैमरा। इसका कैमरा क्वालिटी एवरेज है, टोटली एवरेज, रियलमी की तरह इतना अच्छा कैमरा क्वालिटी नहीं है, पर मोटोरोला की तरफ से ये काफ़ी लाइट वेट डिवाइस है। आपके एक लाइट वेट डिवाइस चाहिए, हेलियो P22 ऑक्टाकोर चिपसेट चाहिए, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन सा है। पर आपको एक कैमरा क्वालिटी अच्छा चाहिए, एक बेहतरीन सा कैमरा चाहिए रियलमी की तरह, तो ये स्मार्टफोन को आपको खरीदना नहीं चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। ये मेरा था कुछ ओपिनियन स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ इसकी कैमरा पिक्चर क्वालिटी के बारे में, डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ यूट्यूब पर वीडियो, जहाँ पे ये आता है हमारे जो मैंने Redmi 8 का अनबॉक्सिंग किया था वो भी प्ले हो रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी टोटल एवरेज डिस्प्ले है, नेटफ्लिक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी कुछ इस तरह सा आता है फुल व्यू डिस्प्ले का। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को फ्री में जितना चाहते तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे शर्त फुलफिल कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का, आपसे कहीं एक लकी विनर जीत सकते हैं स्मार्टफोन मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में। हाँ दोस्तों, आपने मुझे काफ़ी कमेंट किया था Redmi 8 का गिवअवे किसको मिलने वाला है, और काफ़ी सारे स्मार्टफोन का गिवअवे कंटेस्ट चल रहा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी तक उस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने जल्द लाइक और सब्सक्राइब का टारगेट तोड़ देंगे, तो तोड़ दीजिए और ले जाइए आपकी उपहार मेरे तरफ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसा इंटरेस्टिंग और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।